नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान चैनल को। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत अहम खबरें। बहराइच लोकसभा सीट की सांसद सावित्री बाई फूले जी ने भारतीय जनता पार्टी से अपना त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में दलितों के लिए कोई सम्मान की जगह नहीं है। परंतु इसी बीच जब हमने माननीय उदित राज जी से यह प्रश्न करने की कोशिश की, जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा यह उनका पर्सनल मामला हो सकता है और इसमें मैं कुछ नहीं बोलता। आइए हम इसको बड़ी डिटेल से सुनते हैं। मैं समाज सेविका हूं और समाज के बहुजन समाज, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मूल निवासी समाज की लड़ाई लड़ने के लिए भारत के संविधान और अनुसूचित जात पिछड़ी जाति का आरक्षण को लागू कराने के लिए मैंने जीवन भर तक के लिए त्याग की है और मैं बहुजन इस समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए मैं किसी हद तक जा सकती हूँ। भारत का संविधान लागू कराना यह लक्ष्य हमारा है, इसलिए मैंने यह आंदोलन 23 दिसंबर से छेड़ने जा रही हूँ और 23 दिसंबर को आप लोग आएंगे और वहाँ भी बड़ा धमाका मैं करूँगी। इस्तीफा दे दिया था बीजेपी से? हाँ, हो गया। इस्तीफा मैंने दे दिया। सांसद रहेंगे? मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान आरक्षण के तहत बहराइच सुरक्षित सीट से मैं सांसद का चुनाव जीत करके आई हूँ, इसलिए जब तक सांसद का कार्यकाल रहेगा तब तक मैं सांसद रहूंगी। मैं आपको बता दूं कि सावित्री बाई फूले जी पहले बहुजन समाजवादी पार्टी के सदस्य थी, उससे चुनाव लड़ती थी और एक सक्रिय कार्यकर्ता थी, परंतु बीच में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आ गई थी। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया है और राजनीतिक गलियारे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी और बहन मायावती जी को मजबूत करने के लिए सावित्री बाई फूले जी ने यह त्याग पत्र दिया है। हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि इस त्याग पत्र से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वह अंतिम सत्र तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद के तौर पर रहेंगी, केवल उन्होंने पार्टी से सदस्यता का त्याग पत्र दिया है। इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक सबसे बड़ा संदेश यह जाता है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2019 में बहन मायावती जी के तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा है और लोग यह मानने लग गए हैं कि अब देश में एक विकल्प आ रहा है और वह होंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने मायावती जी का चेहरा और दलित जितने भी नेता हैं सब के सब एक जगह इकट्ठे होने लग गए हैं। तो आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर और हम आपको कल लेकर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल और ये बताएंगे कि आगामी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में कौन बनने जा रहा है और किस तरह से बनने जा रहा है। और आप इस वीडियो को जितना लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, करें। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे और सही और सटीक जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।